नमस्कार साथियों, कैसे हम सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया है। जबकि एनपीएस योजना पहले से शुरू है, तो एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने का क्या उद्देश्य है। साथ ही एनपीएस वात्सल्य योजना हो या फिर एनपीएस योजना हो, इसमें कितना परसेंट में ब्याज दिया जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो ऑनलाइन खोल सकते हैं, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी। साथ ही एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। एनपीएस वात्सल्य योजना केंद्र सरकार की योजना है, तो भारत के चाहे किसी भी कोने का गरीब अमीर कोई भी परिवार हो, इस एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोई भी परिवार खाता खुलवा सकता है अपने बच्चे के नाम से। जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, वो अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना केंद्र सरकार की योजना है, तो पूरे भारत में जितने भी बच्चे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो सभी माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि ये एक नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसके अंतर्गत बच्चे का खाता खोला जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत मिनिमम साल के 1000 रुपए जमा करना जरूरी है, अधिकतम आप कितने भी रुपए जमा करवा सकते हैं। ये एनपीएस योजना स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई योजना है, यानी कि हम जितने रुपए जमा करवाएंगे, और यानी कि एक तरह से स्टॉक मार्केट में रुपए लगाना है, यानी कि आने वाले समय में हमारे रुपए डबल भी हो सकते हैं, 3 गुना भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें जो ब्याज होता है वो निर्धारित नहीं होता है, स्टॉक मार्केट पर आधारित होता है। यानी कि आज हमने मान लीजिए किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा और 18 साल के बाद में वो 1000 रुपए का हो गया, 5000 रुपए का हो गया, तो उसके आधार पर हमें ब्याज दिया जाता है। तो हम जिस भी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, अगर वो स्टॉक बढ़ता है तो उसके आधार पर हमें ब्याज दिया जाता है, 10%, 12%, 15%, 20%। तो अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो हमारा ब्याज है वो भी बढ़ेगा। इस एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। खाता खोलने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में खाता खोला जाता है, ऑनलाइन खाता खोला जाता है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए कानूनी अभिभावक या फिर माता पिता का पैन कार्ड आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, और बच्चे की जन्म तारीख से संबंधित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्टॉक आज की रेट में है वो आने वाले 18 साल में 20 साल में डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू क्यों किया गया है, क्योंकि एनपीएस योजना पहले से शुरू है। तो एनपीएस योजना के अंतर्गत पहले केवल 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी महिला पुरुष है, वो अपना खाता खुलवा सकते थे। चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, किसी भी कंपनी में काम करता हो, एनपीएस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है। लेकिन एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से कम उम्र तक के ही बच्चे खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों के नाम से अगर माता पिता रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू करने के बाद में इस एनपीएस योजना का दायरा बढ़ चुका है। यानी कि एनपीएस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के बच्चे के नाम से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो एनपीएस योजना में अब कोई भी खाता खुलवा सकता है, बिल्कुल खुली छूट है, ऑनलाइन खाता खोला जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से खाता खोला जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत साल के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक है, उनको 1000 रुपए जमा करने होते हैं। अधिकतम आप कितने भी रुपए जमा करो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम साल के 1000 रुपए इस एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते में जमा करना जरूरी है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो भी स्टॉक के रेट हैं वो आने वाले समय में बढ़ेंगे, तो बच्चे के नाम से अगर हम एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज ही खाता खोलते हैं तो आने वाले 20 साल बाद में उस स्टॉक के डबल रुपए हो सकते हैं, ट्रिपल रुपए हो सकते हैं। तो इस योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम आज की डेट में अपने बच्चे के नाम से कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 18 साल का इंतजार नहीं करना होगा, यानी कि हमारा बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद में इस एनपीएस योजना से जुड़ेगा। इस योजना में यही बदलाव किया गया है कि अब 18 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे भी एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं, यानी कि एनपीएस योजना से जुड़ सकते हैं। तो जिस बच्चे का एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोला जाएगा, उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में बच्चे के नाम से फिर से ईकेवाईसी की जाएगी,
और उसके बाद में पूरा अकाउंट है वो बच्चे के नाम से कर दिया जाएगा, यानी कि 18 वर्ष जिस बालक की उम्र हो जाएगी उसके बाद में इस एनपीएस योजना के खाते को बच्चे के नाम कर दिया जाएगा और बच्चे के द्वारा ही लेन देन किया जाएगा, बच्चे के द्वारा ही रुपए जमा करवाए जाएंगे। जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है तब तक इस एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते को माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक के द्वारा संचालन किया जाएगा। और एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिस भी बच्चे का खाता खोला गया उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में एनपीएस वात्सल्य योजना से एनपीएस योजना में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जुड़ जाएगा। और उसके बाद में जो भी रुपए जमा किए हैं माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक ने वो भविष्य में काम आएंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के 3 वर्ष बाद में एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते से कुछ रुपए विड्रॉल भी किए जा सकते हैं। तो साथियों एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अगर हम अपने बच्चे के नाम से कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ रुपए जमा करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलकर हम अपने बच्चे के नाम से रुपए लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से खाता खोला जाता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनपीएस वात्सल्य योजना बहुत ही शानदार योजना है। इस योजना के अंतर्गत अपने नजदीक किसी भी डाकघर बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं या फिर ENPS पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन खाता खोला जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य में प्रत्येक भारतीय नाबालिग बच्चे के लिए खाता खोला जा सकता है। नाबालिग बच्चे के कानूनी अभिभावक को भी खाता खोलने का अधिकार है, माता पिता भी खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की EKYC की जाती है। एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर जमा राशि अभिभावक को वापस लौटा दी जाती है। अगर अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो अन्य अभिभावक को रजिस्टर किया जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में जुड़े हुए बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में KYC फिर से दोबारा की जाती है और एनपीएस खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है। साथ ही खाताधारक के पास खाता बंद करने का भी विकल्प होता है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गया, आप अपने एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते को बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन कुल जमा राशि के 80% से एन्युटी खरीदनी होगी और 20% राशि को एक मुश्त निकाला जा सकता है। अगर कुल जमा राशि 2,50,000 रुपए से कम है तो समूची रकम निकाली जा सकती है, यानी कि पूरे रुपए निकाले जा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना PFRDA द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत से पेंशन योजना है। सभी अल्पवयस्क यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। खाता है वो बच्चे के नाम से ही खोला जाता है, केवल अभिभावक के द्वारा संचालित किया जाता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो अभिभावक की KYC की जाएगी और जिसके लिए पहचान और निवास का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, लाइसेंस है, नरेगा जॉब कार्ड है। इसी तरह से 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा, एक निवास का प्रमाण पत्र और दूसरा पहचान का प्रमाण पत्र। एनपीएस वात्सल्य योजना में जिस बच्चे का खाता खोला जा रहा है उसका जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा किया जाएगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट जिस पर जन्म तारीख दी गई है उससे संबंधित दस्तावेज जमा करवाना होगा। साथ ही बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक जो भी खाते का संचालन करना चाहता है उसका पैन कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए और हर साल 1,000 रुपए जमा करवाने जरूरी होंगे। तो एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीक किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर माता पिता या फिर अभिभावक जो भी खाते का संचालन करना चाहता है उसका निवास का प्रमाण पत्र, साथ ही पहचान का प्रमाण पत्र यानी कि वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इनमें से एक डॉक्यूमेंट, साथ ही पैन कार्ड की फोटोकॉपी, साथ ही जिस बच्चे के नाम से खाता खुलवाया जा रहा है उसका जन्म प्रमाण पत्र या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पर जन्म तारीख दी गई हो, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, इन सभी की फोटोकॉपी जमा करवाकर आप अपने नजदीक किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में इस एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलवाना चाहते, ऑनलाइन खाता खुलवाना चाहते हैं तो ENPS पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन खाता भी खोल सकते हैं। इस पोर्टल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही पोर्टल को ओपन करेंगे यहां पर आपको होम पेज पर मिलेगा रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एनपीएस योजना के अंतर्गत कौन कौन खाता खोल सकता है
है, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति भी खाता खोल सकता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति खाता खोलता है तो उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो भी खाता खोल सकता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला है तो वो भी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जुड़ सकता है। अगर कोई अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है तो वो भी इस एनपीएस योजना से जुड़ सकता है। जीडीएस सब्सक्राइबर है तो वो भी जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में है। अगर अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में वो जुड़ सकता है। अंत में है एनपीएस वात्सल्य माइनर्स, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो इस योजना से जुड़ सकता है। अगर आप एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलता है रजिस्टर नाउ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद में बिगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन ही अपने डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आप एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक